हरियाणा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा नमस्कार। हरियाणा सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा एचसीएस प्री 2021 को लेके क्या अंतिम निर्णय आने वाला है, इसी को लेके हम लंबे समय से आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आपकी कोई क्वेरीज होती है, जहाँ तक संभव हो उसके लिए आपको जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। उसी संदर्भ में आज एक वीडियो बाइट चल रही है, मीडिया बाइट चल रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो हरियाणा सिविल सर्विसेज डेंटल परीक्षा और अन्य रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और काफ़ी बातें कर रहे हैं। आप सबने अभी वो वीडियो देख भी ली होगी क्योंकि काफ़ी समय से सर्कुलेट हो रही है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों के मेरे पास बहुत बार कॉल आ रहे थे और वो कॉल आने की वजह से उनको हर बार सेटिस्फाई करना, हर एक को जवाब देने से अच्छा है, मैंने कहा मैं वीडियो डाल दूंगा शाम तक, आप वहाँ देख लेना। तो आज जो मीडिया बाइट आई उनमें जो पत्रकार साहब उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने एचसीएस और डेंटल सर्जन के मामले में स्पष्ट शब्दों में अनिल नागर का नाम लेके भी पूछा, काफ़ी बातें हुई जिसमें जो बातें आपको कंफ्यूज कर रही है वो यहाँ चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आखिरी में एक बात कही, हम मिशन मेरिट को चलाएंगे, मिशन मेरिट को बंद नहीं करेंगे। मिशन मेरिट क्या है? पेपर फेयर करवा के, यानी फेयर एग्जाम, पेपर एग्जाम है वो बिल्कुल फेयर, फेयर एग्जाम करवाना ताकि कोई भी गलत तरीके से बैकडोर एंट्री से परीक्षाओं में शामिल ना हो और मेरिटोरियस बच्चों को आने का मौका मिले। तो इस मिशन मेरिट को लेके जो आज वीडियो में मेन मेन बातें वो आप यहाँ चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी ने मिशन मेरिट के बाद साथ साथ कहा भी योग्यता पर नौकरी देने का हम समर्थन जारी रखेंगे। बातचीत के अभी मैं बेसिकली वो वर्ड आपको बता देंगे, मुख्यमंत्री जी के शब्द थे भी मिशन मेरिट चला कर रखेंगे, योग्यता पर नौकरी देते समय नकल के माध्यम से नौकरी चलेगी तो योग्यता वाला तो परेशान होगा और योग्यता अगर परेशान होगा तो योग्यता आएगी कहाँ से। तो यानी उन्होंने एक तरह से नकल के लिए स्पष्ट मना कर दिया, अभी नकल को हम चलने नहीं देंगे। विजिलेंस के बारे में पूछा, विजिलेंस की रिपोर्ट में किस किस को साथ में आरोपी बनाया गया, तो मुख्यमंत्री जी की जो हमेशा से बाइट्स में वर्डिंग होती है वही रही, या नपेतुले शब्दों में उन्होंने कह दिया, विजिलेंस की जांच पूरी होने तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करते। विजिलेंस वाले भी मेरे पास भी, एवन एज ए चीफ मिनिस्टर भी मेरे पास रिपोर्ट लाते हैं, तो मैं कहता हूँ जब तक पूरी ना हो रिपोर्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरी होने के बाद आप मुझे बताओ। और इस विजिलेंस की रिपोर्ट को हम सार्वजनिक भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा था क्या ये अकेला आरोपी है, इस अकेले ने इतना बड़ा बवंडर कर दिया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा और लोग भी हैं, वो और लोग में वो जो दो गिरफ्तार है वो या उनके अलावा, और ये तो फाइनल रिपोर्ट आने पे पता चलेगा। 30 अप्रैल 2022 यानी आज से 2 दिन बाद में परसों इसकी हियरिंग है कोर्ट में, उम्मीद कर रहे हैं सप्लीमेंट्री चालान पेश अगर हो जाता है तो हो सकता है रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो जाए। ऑर्गेनाइज माफिया के लिए मुख्यमंत्री जी ने शब्द यूज किया, भी हमने 60 FIR की है, 650 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, 300 एक्सपॉन्डिंग भी उसमें शामिल किए गए, कि हम लगभग लगभग जम्मू कश्मीर, गुजरात और नोएडा, हैदराबाद, काफ़ी उन्होंने नाम लिए जहाँ जहाँ से हमने सस्पेक्ट को अरेस्ट किया है और अरेस्ट करके हम उस पर केस चला रहे हैं, वो आज जेल में है। यहाँ पहली बार एक जो बात एचसीएस के एस्पिरेंट्स को फेवर करती है वो बात थी कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी इस चीज़ का डिफेंड किया था कि पेपर लीक होना और ये दोनों एक अलग अलग घटना है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था अब करने वाले तो पेपर लीक और पेपर में तरह तरह की सेटिंग कर रहे हैं जो हम बंद कर रहे हैं। अब ये जो पेपर में तरह तरह की सेटिंग जो उनके शब्द थे ना, इसका मतलब है ओएमआर शीट में हेरा फेरी करना, जिससे बाद में आपके नंबर बढ़ाए जा सके। तो ये जो पेपर में तरह तरह की सेटिंग का आज उन्होंने ओपन लिखा है, अभी लोग कर रहे थे हमने उसको बंद कर दिया। जो हमारी सरकार है वो इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रही है और जहाँ जहाँ जरूरत समझा जाएगा हम इस पे एक्शन भी लेंगे। उन्होंने साथ में स्वीकार भी किया ईमानदारी से, भाई इक्का दुक्का घटनाएं हो जाती है, अब कोई पेपर की फोटो खींच ले गया, अपने किसी रिश्तेदार को दो सवाल कमरे में ड्यूटी लगवा के बता गया, तो वो बड़ा रेयर ऑफ रेयर है, लेकिन ये कर जाते हैं इस तरह की, वो स्वीकार कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। फेवर की बातें अगर कहें तो भाई सभी दोषी को पकड़ना लगभग लगभग असंभव होता है आपके इतने बड़े मामलों में, स्पेशली जो पेपर नकल के मामले होते हैं, सभी आरोपियों को पकड़ना असंभव है कुछ ना कुछ, क्योंकि वो तो आरोपियों को पकड़ने का जो सोर्स है वो बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। तो अगर सभी आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे तो किसी ना किसी के लाभ प्राप्त करने की गुंजाइश रहेगी, अगर वो गुंजाइश रहेगी तो ये भर्ती परीक्षा हमेशा खतरे में चलेगी। तो आज के वीडियो के अकॉर्डिंग मेरा अगर आपको ये मानना है तो मुख्यमंत्री जी भी अब इस मामले पे बात करने लगे हैं, दैट मीन्स ये मामला अब
सॉर्ट आउट होने की तरफ चल पड़े। हालांकि ये बातें कहने की वजह से कुछ बच्चे कमेंट्स में मुझे मुख्यमंत्री का एजेंट, बीजेपी ज्वाइन कर ली, एटसेट्रा एटसेट्रा भी बोल देते हैं, पर मैं बुरा नहीं मानता इन चीज़ों का। लेकिन मैं आपसे एक उम्मीद करूंगा कि आप सिविल सर्विस के, हरियाणा सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं, आपको हमेशा सरकार के साथ काम करना है। सरकार के साथ काम करने की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो आपको इंटरव्यू में उसी चीज़ को पकड़ा जाता है। जब आप इंटरव्यू हॉल में जाके अपना इंटरव्यू देते हैं बोर्ड को, वहाँ वो यही देखते हैं कि ये सरकार के साथ तालमेल बिठा के काम कर लेगा, क्योंकि हर बात में सरकार की काट करना, हर बात में, हर चीज़ में नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढना, ये एक बड़ी बुरी बात होती है। बच्चों के मेरे पास जो फ़ोन आते हैं, उनकी जो क्वेरीज होंगी वो बिल्कुल आराम से पूछ लेंगे, सारी बातें कर लेंगे। जब मैं आखिरी में उनसे पूछूं, बेटा पढ़ाई वढ़ाई की आपने, कितनी पढ़ाई की आपने इन दिनों में, पढ़ाई तो सर इस पे फाइनल फैसला आ जाएगा ना, उसके बाद उठाएंगे किताब और कर देंगे सर, खींच के रख देंगे, सबसे जल्दी कर देंगे, वो बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं। तो मेरा फिर भी आपको कहना है, एज ए एस्पिरेंट आप तैयारी करते रहें, क्योंकि जो भी नतीजा आएगा, अगली भर्ती आएगी, ये भर्ती दोबारा होगी, जो भी आएगा उसमें अल्टीमेट आपका नॉलेज काम आएगा, जो कि आपको तैयारी से मिलेगा। तो आप तैयारी से ना चूकें, तैयारी करते रहें। हो सकता है 30 तारीख, 30 अप्रैल के बाद कोई अगली हियरिंग डेट मिल जाए। वैसे भी 5 और 6 तारीख को HPSC है, वो हरियाणा सिविल सर्विस के एग्जाम जुडिशरी वाले कराने के लिए बिजी चलेंगी, तो वो उसमें भी वहाँ काम लगे हुए हैं। तो जो भी अंतिम रिपोर्ट आएगी, सबसे पहली बात तो वो सबके सामने आ जाएगी। हो सकता है मीडिया बाइट, अच्छे न्यूज चैनल पे चेयरमैन साहब आके खुद भी इसको डिस्क्लोज कर दें, या जो भी रिपोर्ट रहेगी उसके आधार पे जो फैसला होगा वो भी पब्लिक को बताया जाएगा। जो रद्द करने की माला फेर रहे हैं, अगर रद्द नहीं होती तो वो नाराज भी होंगे, वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी होगा। विपक्षी दल हैं, वो विपक्षी दल भी सरकार को घेरेंगे कि आपने अपनी एजेंसी से 6 महीने में मामले को ठंडा करवाया, जब मामला ठंडा हो गया तो जो आप चाह रहे थे आपने वही का वही वापिस कर दिया। तो सरकार भी इस मामले में कांटों का ताज पहनने वाली बात है। सरकार के लिए कोई बहुत आसान नहीं रहेगा कि एक झटके में परीक्षा को मुख्य परीक्षा करा लेना। और जो मुख्य परीक्षा का समर्थन कर रहे हैं, जो मुझे लिख दें कमेंट में, सर कितना ही जोर लगा लो, मुख्य परीक्षा तो होके रहेगी, तो उनको भी ये तैयारी काम आएगी मुख्य परीक्षा के लिए। और जो रद्द होने की माला फेर रहे हैं, उनको भी एग्जाम की तैयारी काम आएगी। तो आप तैयारी करते रहें, तैयारी से दूरी ना बनाएं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज है, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, या आपको कोई भी इस तरह की दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम जेन्युइन कमेंट जो होते हैं, जिनकी भाषा मर्यादित होती है, हम उनका रिप्लाई जरूर करते हैं। जो वल्गर भाषा यूज कर लेते हैं हम, उनको हम शो नहीं करते फिर, क्योंकि वो कोई अच्छे भी नहीं लगते, कोई देखने वाले को भी, दूसरे जो जनरल चैनल पे विजिट करते हैं उनके लिए कोई ये शोभनीय बात नहीं होती। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। जैसे इस मामले में अब जल्दी रिपोर्ट, जल्दी फाइनल फैसला आने वाला है, जैसे ही फैसला आएगा हम आपको जरूर बता देंगे। उम्मीद है आपकी सभी क्वेरीज इस वीडियो से दूर हुई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पर देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।